यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आज से जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। एनएसजी के 28 कमांडोज योगी की सुरक्षा में लगाए गए हैं। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने योगी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का फैसला किया। मंच पर योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं और उनसे कुछ दूरी पर तैनात हैं एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो। इन कमांडोज की चौकन्नी नजर जनता पर है। योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म हो चुका है और अब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडोज ने एक सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसके अंदर आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ गया, उसके बाद भी कुछ ब्लैक कैट कमांडो चौकन्ने हैं। यूपी के सीएम को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आज योगी आदित्यनाथ एनएसजी के सुरक्षा घेरे में घर से बाहर निकले। आईबी ने गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट दी थी कि योगी आदित्यनाथ को खतरा है और इसके बाद उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेड प्लस सिक्योरिटी कवर मिल गया है, एनएसजी कवर मिल गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हजरतगंज चौराहे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनका जो एनएसजी कमांडो का जो सुरक्षा घेरा है, एलीट कमांडोज का ये सुरक्षा घेरा इस समय योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा कवर देने पहुंच गया है। आईबी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी गृह मंत्रालय को, उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई आतंकी संगठनों से खतरा है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को रिव्यू किया गया और उसके बाद एनएसजी के जो एलीट कमांडोज हैं, जो 28 की संख्या में बोनट पर बांधा सबक सिखाया ऐसे पत्थरबाजों का यही इलाज।